तो अम्मा जी आपकी एज कितनी होगी, उम्र कितनी होगी आपकी? 70 साल हो गई है। 70 साल। यहाँ पर मैं अम्मा को देख रहा हूँ चना खाते हुए, तो अम्मा जी चना खा लेती हो आप? क्या बात है। ए दोस्तों, तो आज का सीन ये है कि आज मैं जा रहा हूँ मंडोली की तरफ, मंडोली जो चुंगी है उसकी तरफ जा रहा हूँ। नन नगरी में ये आता है, वहाँ पर मैंने सुना है एक अम्मा है जिनकी एज है 70 साल, और 70 साल एज होने के बावजूद वो मतलब चूल्हे पे रोटियाँ बनाती हैं। जो गांव में चूल्हा होता है ना, जो लकड़ी डालो और मतलब उससे रोटियाँ बनाई जाती हैं, तो उस चूल्हे पे एकदम देसी स्टाइल से रोटियाँ बनाती हैं। और वहाँ पर एक थाली है जो 25 रुपये की थाली है, 25 रुपये में 4 रोटियाँ हैं, गेहूँ की 4 रोटियाँ हैं जो चूल्हे पर पका के देती हैं। और 2 तरह की सब्जी हैं, मिर्च है, प्याज है, अचार है, और रायता अगर लेना चाहो तो रायता के एक्स्ट्रा पैसे हैं। तो इतना सब आइटम आप सभी को केवल और केवल 25 रुपये में मिल रहा है, और एकदम चूल्हे पे देसी आइटम आप सभी को खाना खाने को मिलने वाला है। तो आज मैं उसी तरफ जा रहा था, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाते हैं और आप सभी को दिखाता हूँ कि वहाँ का सीन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं मंडोली की तरफ आ गया हूँ। ये आप सभी को बोर्ड दिखेगा, इस बोर्ड से आप सभी को अंदर नहीं जाना बल्कि इस तरफ आप सभी को जाना है, ठीक है? तो चलो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर आप सभी को जाना है और कहाँ पर वो जो अम्मा है वो चूल्हे पे मतलब खाना देती हैं, रोटी वगैरह बनाती हैं। तो इस तरफ आप सभी को थोड़ा सा आगे जाना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, और पीछे वो देखते रहो, वो रहा वो बोर्ड, इस तरफ आप सभी को जाना है, ठीक है? और ये जो आप साइड देख रहे हैं ना, वो जो साइड देख रहे हैं उसी साइड में वो जो अम्मा है वो बैठती हैं और चूल्हे पर खाना बनाती हैं। थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मिलता है भाई साहब चूल्हे का एकदम खाना। और इधर की साइड देखो, ये अम्मा बैठ के यहाँ पर रोटियाँ बना रही हैं। तो अम्मा जी आपकी एज कितनी होगी, उम्र कितनी होगी आपकी? 70 साल हो गई है। 70 साल। क्या बात है। ये देखो भाई साहब, ये जो अम्मा है यहाँ पर रोटियाँ बना रही हैं और एकदम चूल्हे पे यहाँ पर रोटी बन रही है। ये देखो 16-17 साल से गई है रोटी बनाते। 16-17 साल। 16-17 साल हो गए और यहाँ पर ये चूल्हे का एकदम धुआं निकल रहा है, एकदम मेरी आंखों में लग रहा है, एकदम आप देख सकते हैं ये एकदम चूल्हे पे जो स्टाइल पे खाना बनता है ना गांव वगैरह में, एकदम सेम उसी टाइप से यहाँ पर खाना बन रहा है। अच्छा अच्छा, अम्मा कह रही है कि गैस की रोटी खाने से गैस बनती है और चूल्हे की रोटी खाओ एकदम मस्त रहोगे। क्या बात है, अम्मा जी की स्माइल देखो एक बार। और एक बार मैं आप सभी को इस तरफ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह रखी हुई हैं जो कि रोटी के साथ ये प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन सी सब्जी होगी आंटी जी? अच्छा, ये दाल है, ये आलू मटर है। अच्छा, ये देखो भाई आलू मटर एकदम घर वाला स्टाइल आपको लग रहा होगा। ये आलू गोभी है। ये देखो आलू गोभी, वाह जी वाह, क्या बात है। ये कड़ी है। अच्छा, ये आ गई कड़ी, पकौड़े, पकौड़े भी हैं इसमें, पकौड़े बेसन के हैं। हाँ जी। ये देखो भाई, इसके अलावा रायता वगैरह भी, रायता भी है। अच्छा रायता, ये देख लो, ये रायता भी देती है, और रायता देखो काफी बढ़िया लग रहा है, एकदम जीरा वीरा डाल रखा है। क्या क्या डाल रखा है इसमें? जीरा है। अच्छा, नमक मिर्च, नमक मिर्च है। हाँ, रायते का मसाला है और कस्तूरी मेथी है। कस्तूरी मेथी है, ठीक है। तो एक बार हमें ये बताएंगी कि आप मतलब ये प्लेट कितने की आप प्रोवाइड करते हैं? 25 रुपये की 4 रोटी। 25 रुपये की 4 रोटियाँ और कितनी सब्जियाँ? 2 सब्जियाँ। मतलब ये जो 4 सब्जियाँ हैं इनमें से कोई सी भी 2 सब्जी ले सकते हो। क्या बात है, तो बहुत सस्ता आप दे रहे हैं। इतना सस्ता मतलब कैसे, मतलब यही चला क्या करें। अच्छा, गरीब में मजदूर आदमी करते घूमना। हाँ, ये भी बात सही है, मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। एक तो 25 रुपये में आप मतलब खाना दे रहे हो, और खाना भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम साफ सफाई से चूल्हे का खाना आप सभी को मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाने का रेट काफ़ी सस्ता है। एक बार ये बताइए खाना यहाँ का कैसा लगता है? अच्छा खाना लगता है। अच्छा, एकदम बढ़िया खाना लगता है, एकदम घर जैसा स्वाद है। हाँ जी। तीनों एक साथ ही आए खाना खाने के लिए? हाँ, तीनों एक साथ आए हैं। अच्छा, मतलब यही मतलब काम करते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, गाड़ी वो सामने खड़ा रहा, वो देखो वो उनकी गाड़ी सामने खड़ी है। तो सीमेंट वगैरह का काम करते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो चलिए अपना खाना आप खाइए, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आंटी जी एक बार ये बता दीजिए यहाँ की टाइमिंग क्या होगी, कितने बजे? सुबह को 10 बजे से रात को 10 बजे तक। अच्छा, 10 बजे से रात के 10 बजे तक, एकदम 12 घंटे का काम चलता रहता है। ये देखो भाई, यहाँ पर काम चलता ही रहता है और अम्मा जी रोटियाँ बनाती रहती हैं, और अम्मा जी फिर भी खुश हैं यहाँ पर। ये देखो, ये देखो भाई, ये हमारी प्लेट लग रही है। तो सबसे पहले आलू मटर आ गया, और ये आलू गोभी आ गया, और ये हमारी 2 रोटियां आ गई, एक रायता भी लगा दीजिए आंटी जी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी प्लेट लग गई है। यहाँ पर मैंने रायता भी ले लिया है, दो रोटी आ गई, सब्जी है ये आलू मटर की और आलू गोभी की। और ये जो रोटी है ना, ये अम्मा के हाथ की रोटी है। तो चलो ये जो खाना है इसे मैं टेस्ट करता हूँ, फिर मैं आप सभी को बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। तो सबसे पहले आलू मटर के साथ हम टेस्ट करते हैं। ये आ गया हमारा आलू मटर। प्याज भाई एक नंबर। ये मैंने रोटी के साथ आलू मटर खाया, एकदम जो गांव वाला स्वाद होता है ना, वो सेम स्वाद इसमें आ रहा है। और जो रोटी है ना, मैंने गैस वगैरह पे तो आप सभी ने रोटी खाई होगी, ऐसा टेस्ट आप सभी को गैस पे मतलब नहीं मिलता होगा, लेकिन चूल्हे की जो रोटी है ना, इसका एक अलग ही स्वाद आता है। अब चलो एक बार हम आलू गोभी भी टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी आलू गोभी है, ये देखो। ये आ गई आलू गोभी। क्या बात है भाई, आलू गोभी का भी जो टेस्ट है ना, बहुत ही अच्छा है। ऐसा जो टेस्ट है आपको बड़े बड़े ढाबों पे भी नहीं मिलने वाला है। बैलेंस मसाले हैं काफ़ी अच्छा, मतलब जो आलू गोभी में फ्लेवर है, जो गोभी का फ्लेवर है ना, वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। और एक बार चलो मैं रायता भी टेस्ट कर लेता हूँ। रायता भी देखो काफ़ी कुछ डला हुआ है। काफ़ी फ्लेवरफुल रायता है भाई। तो ओवरऑल इस थाली में जो भी आइटम है काफ़ी टेस्टी है। वैसे भी इस थाली को आप जज नहीं कर सकते हो। ये देखो 25 रुपए में आप सभी को चार रोटी के साथ ये थाली मिलती है, दो सब्जी मिलता है, तो काफ़ी कुछ वैसे ही आपको इस थाली में मिल रहा है, तो इसे जज तो नहीं किया जा सकता।